मैंने लेक्चर्स दिए हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में एक्टिव एक्सप्रेसिव के हवाले से दो टेंस मैंने बताया है प्रो एंड पास्ट कंटीन्यूअस। आज इसके बाद करेंगे कि एक्टिव एक्सप्रेसिव के जुमले जो होते हैं पास्ट कंटीन्यूअस में पहले के लिए कैसे बनते हैं, स्पेशल इस रेस्पेक्शन में कैसे बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस एक्टिव जुमले कैसे होते हैं ताकि आपको समझ में आसानी हो, फिर आप आसानी के साथ हमेशा याद रखें पास्ट कंटिन्यूस जो हमारा टेंस है उसमें हमेशा हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी बेस फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। कंटिन्यूस है, प्रोग्रेसिव टेंस है, हमेशा याद रखें यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी यूज होता है। दूसरी बात, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस है इसलिए हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दो इस्तेमाल होते हैं। मैं एक्टिव एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ, वाज और वर। ठीक है, तो ये आपको मीन क्लियर हो गया होगा। अब पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए रूल्स देखते हैं, कुछ तो वही रूल्स हैं जो प्रीवियस लेक्चर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के हवाले से हम देखेंगे। देखिए यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा वही बात है, हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन पास्ट पार्टिसिपल यूज। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स में हमारे पास जैसे कि एक्टिव वॉइस में हमारे पास वाज और वर थे, और पैसिव में भी हमारे पास वाज ही और वर ही होंगे, लेकिन बीन का इस्तेमाल इसके साथ पास बीन क्योंकि पास बीन ई शी इट आई या कोई सिंगुलर पर्सन दे सकते हैं, वर्ब बीन यू बी दे या एक से ज्यादा लोगों की जगहों की अच्छी जो की बात। ठीक है, तो ये तो आप क्लियर हो गए। फिर यूजुअली माई का इस्तेमाल करते हैं, माई का इस्तेमाल कैसे कैसे। ठीक है, और चौथे नंबर पर कई रूल हैं जो हमेशा हम अप्लाई करते रहते हैं कि हमने एक्टिव एज सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी एक्टिव एज का जो मफ़ूल होगा ऑब्जेक्ट वो पैसिव एज का सब्जेक्ट बन जाता है। इस तरह एक्टिव एज का जो सब्जेक्ट होता है फाइल वो पैसिव एज का मफ़ूल बन जाता है, ये आप इसमें चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट मैंने पॉजिटिव जुमला बनाया बस बन चुका है, ई वॉज पनिशिंग द बॉय। ठीक है, देखिए वाज भी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी भी है। ठीक, तो यहाँ पर हमें हमारे पास द बॉय ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बन गया द बॉय, क्योंकि सिंगुलर एक की बात हो रही है तो वाज है, द बॉय वाज फिर हम बीइंग वाज के साथ देख रहे हैं द बॉय वाज बीइंग। यहाँ पर जो पनिश मेन वर्ब है यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चला जाएगा, इसके वजह से पनिश द बॉय वाज बीइंग पनिश्ड ये हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाए। जब आप उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस का तो हमेशा याद रखें इसका ऑब्जेक्टिव केस उसका एक जो कि ही है। देखिए द बॉय वाज बीइंग पनिश्ड बाय हिम, यहाँ पर देखेंगे उसका दे वर नॉट हेल्पिंग मी इन ट्रबल, ये नेगेटिव जुमला मैंने बनाया नॉट के इस्तेमाल किया है, दे वर नॉट हेल्पिंग मी इन ट्रबल वो मेरे तकलीफ में मुसीबत में मेरी मदद नहीं कर रहे थे। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए यहाँ पर वैसे हमारे पास दो है, ठीक है, मी भी है और इंट्रोवर्ट भी है, लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप लें तो ज़्यादा आसान है, उसको उसी अपनी जगह पर रखें। देखिए मैंने बनाया मी आई, क्योंकि जब भी आपका सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट के केस आई आई के साथ वाज लगता है, आई वाज फिर नॉट फिर बी, इधर बी के इस्तेमाल आपने जो करना है ठीक है वो आपको करना है, वाज फिर नॉट फिर बी। I was not being helped, therefore helped. फिर by the objective case जो है बनेगा, क्योंकि आप की तरफ चला जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस by them. Internal उसी तरह चलेगा, I was not being helped by them internal. इस वक्त मैंने एक सवाल यह जुड़ा होता है, were you disturbing them again? क्या तुम उनको दोबारा डिस्टर्ब कर रहे थे, परेशान कर रहे थे? तो ये एक्टिव एज जुमला संभाल लिया, तो किस तरह से संभाल लिया था लिखा, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा तो दे आएगा क्योंकि दे प्लूरल में आता है तो हम उसके साथ पार लगाते हैं। सवालिया जुमला में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ड फिक्र के शुरू में लाते हैं, यानी सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, देखिए वर्ड दे दे फिर बी डिस्टर्ब थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब अगेन उसी तरह अगेन बाय यू, ठीक है, वर्क दे बीइंग डिस्टर्ब अगेन बाय यू क्योंकि यू हमारे
suffix earlier to the mother, who was asking the question. Who was the last question? तो यहाँ पर प्रीवियस लेसन चेंज करने के लिए हम सवाल यह हैसियत बरकरार रखेंगे और प्रीवियस लेक्चर में मैं बार बार बता चुका हूँ कि हु का बाय हु में कंप्लीट करेंगे हु बाय हु यहाँ पर हमारे पास द क्वेश्चन ठीक है ये अभी तक अच्छा है ठीक है सब्जेक्ट के तौर पर और यहाँ पर ठीक है ये जो है क्योंकि सिंगुलर एक क्वेश्चन की बात पहले वॉज बाय हु वॉज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड ये पूरा एक आपके लिए लेसन लिखा है